आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फन ट्रैवल विद आनस में। फन ट्रैवल में आज हम आपको लेकर चलते हैं नेपाल के एक बहुत ही खूबसूरत से शहर पोखरा। हम लोग काठमांडू से पोखरा बाई रोड जा रहे हैं। बाई रोड जाने का सबसे बड़ा फायदा हमें ये रहेगा कि हम लोग नेपाली कल्चर को और ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। हम लोग आपको लेकर चल सकेंगे रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे नेपाली गांव, और इसके अलावा हम लोग दर्शन के लिए जा सकेंगे मनकामना देवी के मंदिर। काठमांडू से पोखरा की दूरी अराउंड 200 किलोमीटर है, और अगर आप पृथ्वी हाईवे से होकर जाएंगे तो आपको लगेंगे 6 से 7 घंटे। ये पहाड़ी रास्ता अपने आप में बहुत खूबसूरत है। रास्ते में आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे नेपाली गांव भी देखने मिलेंगे, जहां पर घूमना अपने आप में काफ़ी दिलचस्प होता है। ये देखिए नेपाल का छोटा सा गांव कितना खूबसूरत है। यहां पर जगह जगह नदियां बह रही होती हैं, और उन नदियों के ऊपर लोहे के सस्पेंशन ब्रिज बनाए गए हैं। ये नदी के एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ते हैं। इन सस्पेंशन ब्रिज पर चलना काफ़ी एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता है। नीचे बहती हुई नदी, हिलता हुआ लोहे का पुल, काफ़ी आपको दिलचस्प लगेगा। आपको किसी भी देश को, किसी भी जगह को अगर जानना है तो सबसे बेहतर तरीका है वहाँ पर रोड ट्रिप पर जाना। अगर आप रोड ट्रिप पर जाते हैं तो आप उस जगह को अच्छे से जान पाते हैं। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं मनकामना देवी के दर्शन के लिए। मनकामना देवी जाने के लिए आपको केबल कार के थ्रू जाना पड़ता है। अराउंड 20 मिनट्स लगते हैं। वैसे तो अगर नीचे से ऊपर का आप देखें टोटल समय, आप 1 घंटे का मानकर चलिए, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन होती है और जाने में काफ़ी समय लगता है। आपको लाइन में ही काफ़ी समय लग जाता है। ये पर रास्ता केबल कार से जब हम जाते हैं बहुत खूबसूरत है। हालांकि मुझे डर लग रहा था, जैसे आप देख सकते हैं मैं भगवान का नाम जप रही थी, पर ये रास्ता बहुत है और ऊपर से नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये देखिए जब हम केबल कार से जाते हैं तो ऊपर ऊंचाई और नीचे गहराई दोनों आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता है। मनकामना देवी शक्तिपीठ गोरखा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और कहते हैं यहाँ आकर भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसीलिए इसका नाम मनकामना देवी पड़ा है। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप धार्मिक हैं तो ही आप मनकामना देवी जाएंगे। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो भी मनकामना देवी जाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। खासकर ये केबल कार वाली जो राइड होती है ये काफ़ी रोमांच से भरी हुई होती है। ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीचे बहती हुई नदियाँ बहुत खूबसूरत दिखती है, और मनकामना देवी से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का बड़ा मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। इसलिए अगर आप काठमांडू से पोखरा जा रहे हैं तो मनकामना देवी मंदिर के दर्शन के लिए रुकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए कितना खूबसूरत ये रास्ता है केबल कार वाला, कितना रोमांचक रास्ता है। आप इस खूबसूरती को महसूस भी कर रहे होते हो और साथ में डर भी लग रहा होता है। मुझे लगा था यहाँ बहुत से लोग मन्नत भी मांगते हैं और ये रास्ता पैदल चढ़ाई करके भी पूरा करते हैं। ये मनकामना देवी मंदिर अंदर फोटो अलाउड नहीं होते, इसलिए ये बाहर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छी जगह है जाने के लिए। ये हम वापस जब आते हैं तब वहाँ का ये वो नदी है जिसके ऊपर से हम केबल कार से होकर गए थे। ये वापसी का रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं। आइए चलते हैं पोखरा। पोखरा में ये टेम्पल ट्री रिजोर्ट है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। ये रिजोर्ट भी बहुत खूबसूरत है। असल में देखा जाए तो पोखरा में सब कुछ ही खूबसूरत है,
चारों तरफ इतना ग्रीनरी है, इतनी खूबसूरती है कि वहाँ सब कुछ आपको खूबसूरत दिखाई देता है। वहाँ पे इतने सुंदर फ्लावर खिले हुए थे, इतने सुंदर पेड़, छोटे छोटे पेड़। मैंने वहाँ पे एक पेड़ देखे, एक या कई पेड़ देखे, आम के, लीची के, जो छोटे छोटे पेड़ हैं, मुश्किल से 4 या 5 फीट उनकी हाइट होगी, और इतने बड़े बड़े लटके हुए थे। बहुत सुंदर जगह है ये। रिजोर्ट में स्टे करना आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप यहाँ जाते हैं। चलिए आगे हम आपको लेकर चलते हैं फेवा लेक। पोखरा फेमस है फेवा लेक के लिए। ये पोखरा सिटी बहुत साफ सुथरी, एकदम क्लीन, नो भीड़ भाड़। यहाँ पे मोस्टली आपको दिखेगा कि 2 व्हीलर चलाते हैं लोग, बहुत कम भीड़ है। ज़्यादातर फॉरेनर्स आए हुए थे या तो फिर इंडियंस थे। ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। अगर आप सुकून और शांति की तलाश में एक छुट्टी मनाने जाते हैं तो पोखरा बहुत अच्छी जगह है जाने के लिए। ये वहाँ का छोटा सा मार्केट है जो लेक के किनारे पे है, जो फेवा लेक है उसके किनारे पे ये मार्केट है। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए बहुत सुंदर मार्केट है। वहां पर बहुत सारे, जो लेक के किनारे पर बहुत सारे आपको कैफे मिलते हैं, छोटे बड़े हर तरह के कैफे और रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे। ये सिटी डिजाइन किया गया है फॉरनर्स के लिए। यहाँ पे जो टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं वो फॉरनर्स हैं, और ये बहुत अच्छा डेवलप्ड सिटी है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। ये फेवा लेक आप देख रहे हैं, ये फेवा लेक के बीचों बीच भगवान विष्णु का मंदिर है। ये मंदिर भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। चलिए आपको लेकर चलते हैं फेवा लेक में बोटिंग के लिए। फेवा लेक नेपाल का सेकंड लार्जेस्ट लेक है, और अगर दिन क्लियर है और सूरज महाराज आप पर मेहरबान है, सूरज निकला हुआ है, तो फिर आप ये जो पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं इनके पीछे आपको बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ दिखाई देते हैं, और इवन उनका रिफ्लेक्शन इस लेक में दिखता है। वो नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। आज तो जब हम आपको यहाँ लेकर आए हैं तो सूरज महाराज ने अपने दर्शन नहीं दिए हैं, तो वो नज़ारा नहीं दिख रहा है। ये है पोखरा सिटी। अगर आप किसी सिटी चाहते हैं तो आपको वहाँ के लोकल जो बाज़ार होगा वहाँ घूमना होगा। ये मैं जो लीची की बात कर रही थी, ये लीची और आम, ये देखिए कितना सुंदर लाल लाल रंग की लीचियाँ इस पेड़ पे लटकी हुई हैं। ये किसी का घर है और ये घर के अंदर पेड़ है। बहुत सुंदर शहर है ये। देखिए ये हम वहाँ पर घूम रहे हैं, बहुत सुंदर शहर है। वहाँ की लोकल मार्केट, वहाँ की गलियाँ बहुत अच्छी हैं। हम आपको लेकर चलते हैं विंध्यवासिनी शक्तिपीठ। विंध्यवासिनी शक्तिपीठ पोखरा के पुराने बाजार के पास एक हिल टॉप पर स्थित है। यहाँ पर कहा जाता है कि विंध्यवासिनी शक्तिपीठ में माँ दुर्गा की बहन विंध्यवासिनी की पूजा की जाती है। यहाँ मैं फिर से एक बार आपसे कहूँगी कि नेपाली मंदिरों में घूमने का एकमात्र कारण आपका धार्मिक होना ही नहीं है, लेकिन अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो भी ये मंदिरों में जाना बनता है। इसके आगे हम आपको लेकर चलते हैं देवीज फॉल्स। ये देखिए कितना खूबसूरत दूध के जैसा सफ़ेद पानी है। इसके बारे में भी ये कहा जाता है कि ये फॉल का पानी नीचे कहाँ जाकर इकट्ठा होता है, इसके बाद कहाँ जाता है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। और यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग भी देखने को मिलते हैं। ये देखिए कितने सुंदर गुफाएं हैं, और गुफाओं के अंदर शिवलिंग्स हैं। यहाँ से आगे आप लोग जा सकते हैं माउंटेन म्यूजियम देखने के लिए। माउंटेन म्यूजियम जाने का सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि आप नेपाली कल्चर को और अच्छे से जान पाएंगे।
यहाँ से आगे चलिए हम आपको लेकर चलते हैं पोखरा एयरपोर्ट। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये छोटा सा एयरपोर्ट भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। यहाँ से ये एयरक्राफ्ट आपको पोखरा से काठमांडू लेकर जाते हैं। यहाँ पे लैंड करना और टेक ऑफ करना इजी नहीं होता, कुछ एक सर्टिफाइड पायलट्स ही होते हैं जो यहाँ से आपको टेक ऑफ करा सकते हैं, यहाँ पे लैंडिंग करा सकते हैं। हमारा ये पोखरा वाला जो विजिट था काफ़ी एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। हम लोगों ने ये ट्रिप बहुत इंजॉय किया है। उम्मीद करती हूँ आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको ये दरबार स्क्वायर में लेके जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और अपना प्यार, अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए ताकि हम आगे अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें, कुछ और अच्छा बनाने की कोशिश कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।